हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आज आपका पेपर हुआ है 22 दिसंबर 2018 को पीआरटी का केवीएस एग्ज़ाम। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे आपका पार्ट वन, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आए थे, तो उनकी हम आंसर की देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चूज़ द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो एक तरह से, एक होता है मिथ, एक होता है फैक्ट, यानी कि जो चीज़ें सच होती हैं। तो फिक्शन, रियलिटी, लाई, इमेजिनेशन, तो आपको बिल्कुल इसका अपोजिट चुनना है, तो इमेजिनेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू इज वांटिंग, वाज वांटिंग, वर वांटिंग, वांट्स। तो आंसर जो है आपका फोर्थ है, ठीक है, वांट्स इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, ही डैश फॉर 5 आवर्स, देन हैज स्लीपिंग, मस्ट हैड बीन स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट। तो गाइस, जो ये पेपर पर मार्क लगे हुए हैं, ये आपके एग्जैक्ट आंसर्स नहीं हैं, इनके साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जिस पर्टिकुलर पर्सन ने पेपर भेजा है उसका पेपर है, उसने ये मार्क लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर जो है इसका थर्ड का, फर्स्ट आंसर है He has been sleeping for 5 hours. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। तो ऑप्शन है आपके, कांट हैव मच प्लेजर, आई एम हैविंग मच प्लेजर, आई मे हैव मच प्लेजर, आई हैव मच प्लेजर। तो आंसर जो है इसका फोर्थ है, आई हैव मच प्लेजर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको इम्प्रूव करना था, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन रोबर्स मेड गुड देयर एस्केप। तो आंसर, नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव्ड, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, नो सूनर द पुलिस अराइव्ड, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड। तो आंसर जो है इसका है सेकेंड, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, द आइटम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 possible meaning, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बाय फिट एंड स्टार्ट का क्या मतलब है? ठीक है, आपको 4 possible meaning में से करेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब है आपका सिक्स का फर्स्ट, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ, His performance in the office is quite superficial. ठीक है, तो excellent, shallow, excessive या unnatural? देखिए, superficial जो होती है एक तरह से आपकी unnatural ही होती है, तो answer क्या होगा? Fourth. ठीक है, next है eighth, in the following sentence one part may have an error, choose the one which has the error. यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से part में error है। It is high time, second है, that we send the answer to this query. तो आपको ये बताना है कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, एट्थ का है सेकेंड पार्ट में एरर है, that we send. ओके, नेक्स्ट, तो नाइन्थ एंड टेंथ क्वेश्चन में आपको बताना है, इन द फॉलोइंग आइटम ए वर्ड इज फॉलोड बाई 4 explanatory expressions, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। तो ऑर्थोडॉक्स का आपको बताना है, वन हु flaunts established opinions, one who has no opinion of one's own, one who hold established opinions, one who is self-opinionated. तो आंसर जो होगा इसका नाइन्थ का थर्ड होगा, जो ऑलरेडी established opinions को मानता है। ठीक है, explicit, drawing out a secret from somebody, comparison that is out of place, statement that is absolutely clear, ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो जो आंसर है आपका वो है थर्ड। ओके, तो काफ़ी मुश्किल नहीं था आपका, इजी ही था इंग्लिश भी, एंड इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका नेक्स्ट जो 10 marks का इंग्लिश हिंदी आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। पहले भी कहा था इंग्लिश और हिंदी पर आपको इतना ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 number में बहुत ईजी और जनरल ही पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम हिंदी के पोर्शन पर।
हिंदी भी आपका ऐसा ही रहा है, इजी ही था। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। मैंने आपको बोला था विद्यासागर पब्लिकेशन का एक हिंदी का आता है न्यूज़पेपर जिसमें प्योर हिंदी दी होती है, तो उसमें से ही देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके फिट हो रखे हैं। तो उज्जवल 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 उज्जवल, तो ये वाला जो था आपका सही वर्तनी ये है, ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण, अनिश्चय वाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण, आंसर है आपका क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, भूधर, नग, शैल या नभ, तो आंसर है इसका नभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुख चैन में समास है क्रमधारय, तत्पुरुष, द्विंद या फिर दिगु, तो आंसर है इसका, हाँ जी, तो जो ये वाला क्वेश्चन है आपका इसमें जो समास होगा वो क्रमधारय हो सकता है और द्विंद हो सकता है, इन दोनों में डाउट हो रहा है एक्चुअली, मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्लिक्ट में भी आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है आंसर यहाँ पर, और कन्फ्लिक्ट में भी हो सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। नेक्स्ट है आपका 15 छाती पर सांप लौटना, इसका आंसर है ईर्ष्या करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है, प्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इस बार फसल अच्छी होगी, अशुद्ध पूछा है, ध्यान से देखना। बैठक का समय 4:10 होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, तो देखिए गाइस इसमें आंसर जो है थर्ड होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो कंप्यूटर भी हुआ है और बच्चों ने जो रिव्यू दिया है उन्होंने बोला है कि जो हमने कंप्यूटर कराया था वो आया है, एंड करंट अफेयर भी आपका जो हमारे चैनल पर है वही आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक, तो आंसर है आपका अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, विद्वता, विदुषी, विद्वानी या विद्री, तो आंसर जो है आपका विदुषी है, ठीक है। शाखा का बहुवचन है शाखाएं, तो आंसर यही है आपका, शाखाएं इसका आंसर है और ऊपर वाले का सेकंड आंसर है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए पेपर वन के, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पीजीटी और टीजीटी में किस तरीके का आपका हिंदी आएगा। पेपर वन थोड़ा सा वही नॉर्मल रहेगा आपका, और जो टीजीटी में रीजनिंग वगैरह का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, बाकी आपका बहुत ईजी ही पेपर आएगा। एंड करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने अपने चैनल पर नहीं किया हो और वो पेपर में आया हो, पूरा का पूरा आपका पेपर में आया हुआ है, जो भी हमने करंट अफेयर में करवाया था प्लस जो भी हमने आपका कंप्यूटर में करवाया था वो सब आपका पेपर में आया हुआ है। तो इसके लिए बच्चों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं कि कंप्यूटर सारा हमारा करवाया आया हुआ है, तो मैंने यही बोला था कि कंप्यूटर के लिए आप डिपेंड रह सकते हैं। बाकी अभी कल के लिए देखते हैं कल कैसा एग्जाम रहेगा, ये आपकी आंसर की थी। अगर किसी में डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो एक बार हम उसको रिव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे। बाकी फर्दर अभी रीजनिंग की और जो पेपर टू है आपका पूरा पीआरटी का, उसकी आंसर की अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को ज़रूर दबाएं सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। थैंक यू।